मंगलार गुलपेट के रहने वाले हैं। कारोबार करते हुए भी ये तो हमारे 30 साल हो गए हमारे हाथ पे करते हुए। पहले हमारे पिताजी करते थे, वो टाइम से आज तक कभी ऐसा हालत नहीं देखे। फर्स्ट टाइम है ये हालत। अब जो तो यही कि 3 फीट का बनाना नहीं बनाना, छोटा सर का बना के बिठा लो, घर में फ़ोटो रख के पूंजा कर लो बोल के पब्लिक बोली, गवर्नमेंट बोली। उसके बावजूद जो तो यही कि हम लोग क्या क्या बनाएंगे भाई, क्या करेंगे, आपके लॉस है पूरा, A to Z लॉस है। कुछ नहीं है, 15 फीट का गणेश बनाने वाले, 3-4 फीट का गणेश बना रहे, उसके बावजूद इन्होंने 12 दिन 8 दिन पहले जो परमिशन दी है कि आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बिठा सकते हैं। क्या 8 दिन 15 दिन में बनने वाला है गणेश? धूप काले में गणपति बनता, असल मेन धूप में सूखना, उन्हें सही तरीके से हीट होना, तो तभी कस्टमर खरीदा। सो वाला भी 250-300 किलोमीटर खरीद के ले आता, उन्हें एक क्रॉक भी नहीं आता उसमें। अभी ना 8 दिन में बना के उसको बेचो बोल तो क्या बिक जाता गणेश? गाड़ी पे चढ़ाते हैं बस तो जाता गणेश, पूरा गिर के पूरा टूट जाता गणेश। क्या है बोल के उसमें? अब यहाँ 2 लाख रुपये टेंट का किराया देना, अब उसमें छोटे छोटे गणेशों में पैसा क्या आएगा? था 2000-2500 रुपये का गणेश है, 1 लाख रुपये बराबर जमा नहीं होता, तो किराया निकलता ना, हमारा मजूरी निकलता ना, फिर हमारा साल भर चलना वो नहीं निकलता। CM साहब ने भी बहुत बड़ा हाथ लिए, अपने को हाथ पे ले लिए, रोकते 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 क्या करें, एक दिन 8 दिन पहले अपनी जुबान रह लेना बोल के क्या बोल दिए, बना लो बिठा लो बेच लो बोल के बोल दिए। क्या 10-12 फीट का गणेश और वो धुपकाले में बनने के गणेश है वो? ये दिए कि पब्लिक आके बोल रही, हमारे वो भी नहीं मालूम परमिशन दिए नहीं दिए, तो भी पब्लिक बोल रही चलो भाई बना लो बोले बिठा लो बोले, बड़ा गणेश भी हम बिठा सकते बोल के बोल रहे। अब डिमांड से पब्लिक ढूंढ रही बड़ा गणेश, अब करना तो अपन करेंगे कैसा? अभी का अभी तैयार होता नहीं, ना कलर होता ना बिकता गणेश, गणेश सूखता तक भी नहीं, तो ग्राहकों का ही को अपन धोखे में रखेंगे। बेचारा खरीद के ले जा रहा पूजा करने के वास्ते, ट्रेन से गाड़ी में रखेगा, गाड़ी में वाइब्रेशन होते ही गाड़ी में बस हो जाता, उन्हें सूख के गिर जाता, जब क्या कर लेंगे? हमने है धुलपेट के छे, हम कारीगर हैं हम, और तो यही बनाते हैं, हमारे गोदाम है और 10 लाख का माल बना है, और ये तो एकदम नक्को बोल दिए लैपटॉप लगने के बाद। हम जो तो अब ये छोटा बनाए, वो भी है तो पूरा फाइनेंस से लेके हो तो बनाए सो है कर्जे में, तो अब गोदामों के गोदाम के हो तो 3-4 लाख रुपये किराया देना पड़ता महीने को, वो साल को। आपको अभी परमिशन क्या क्या मिला है? खाली सिर्फ 5 फीट से तो 0 पेंट तलक मिला। अच्छा। वो भी अब दिए एक हमने राखी पूनम के पहले दिए, 5 नहीं तो उसके पहले तो 3 फीट 2.5 फीट बनाओ बोल के बोले। अब ये तो बनाए हम लोग आए तो पूरा लास्ट में परेशान है, पूरा फाइनेंस वाले को तो फाइनेंस बनना ही पड़ेगा कि आप जो गोदाम लिए उनको किराया ही देने पड़ेगा, माल तो उसके अंदर ही रखा हुआ है। अब फाइनेंस आपने किराया नहीं दिया तो ना फिर आते साल ले तो माल ही उठाने नहीं देता हूँ। गोदाम कितने आपके? 3 गोदाम है, एक जुमेरात बाजार में, एक यहाँ नीचे है, एक तो शिलाल नगर में है। पिछले साल अब यहाँ पर लागे फिर साल से ये साल में क्या कमाई का नुकसान हुआ? बहुत आपने कुछ कम तो 8-10 लाख का नुकसान है। 5 फीट का जो बोले वो भी अपने राखी पूनम के पहले बोले कि 5 फीट तलक ही बेचो, 5 फीट से 0 पेंट तलक, हम उतना नहीं बनाते, सिर्फ 12 फीट 15 फीट
10 फीट 8 फीट तक बनाते। अब ये नहीं बोलने से तो क्या करें, अब तो ये बना लिए हम, कैसा तो थोड़ा तो भी खाने पीने का तो निकलना बोल के। साल भर हमारा ये करते नहीं, हमारे को आता नहीं, ये गुड़म्बा करते तो अभी बंद कर दिए होते साहब। ये तो 15 अगस्त के बाद जो है तो ये 5 फीट का है तो बनाओ, 5 फीट का परमिशन देते बनाओ बोल के बोले, उसके पहले तक नहीं बोले। ये परसों ही बनाए ऑलरेडी, ये तो रेडीमेड ये तो खरीद लेके दूसरे से खरीद के बेच ले रहे कलर करके। 12 फीट 10 फीट तक तो रेडी है, इस टाइम गोदाम में रखा हुआ है। जैसा है कैसा रखा हुआ है ढांचा, उसका क्या करेंगे फिर अब आधे साल देखेंगे। अब क्या करते हैं, अब तो 8-10 लाख का तो माल है सब। अब वो गए साल बेचेंगे तो जब ये तो मेकअप होगा या लास्ट में होगा, मेहनत वाले को तो महीने को महीना देना पड़ेगा। इसको जो गोदाम लेते हैं साल भर का रहे अग्रीमेंट रहे। तो हम 10-12 साल के ऊपर होगा ये जगह में नहीं, यहाँ पर गोदाम में बनाते हैं। यहाँ पर ये तो नहीं आते, ये यहाँ पर हजारी भवन है, देखो वहाँ पर लेके इसके अंदर बनाते हजारी भवन, दुर्गा हजारी भवन के अंदर ये तो लाके वहाँ से तैयार करके।